वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान का हिस्सा है और ये हिस्सा हिंदुस्तान का है, ये न बदलेगा। वो कर ले जितनी जंगे करना चाहेंगे, ये नहीं बदलेगा। पीओके के विवादित बयान पर चौतरफा हमला झेल रहे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को कंधे पर हाथ रखने वाला एक शख्स मिल गया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि फिल्म अभिनेता और सोशल मीडिया पर बेबाकी से अपनी बात रखने वाले ऋषि कपूर हैं। ऋषि कपूर ने ट्वीट कर फारूक के विवादित बयान का समर्थन किया और लिखा कि फारूक अब्दुल्ला जी, मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ कि जम्मू कश्मीर हमारा है और पीओके पाकिस्तान का। यही एक तरीका है जिससे हम समस्या का निपटारा कर सकते हैं। इसे मान लीजिए, मैं 65 साल का हूँ और मरने से पहले पाकिस्तान को देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अपनी जड़ों को जाकर देखें। बस करवा दीजिए। ऋषि कपूर के इस ट्वीट ने फारूक के बयान पर नई बहस छेड़ दी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या फारूक का बयान पाकिस्तान परस्त बयान है या फिर एक प्रैक्टिकल स्टेटमेंट जो मौजूदा हकीकत पर सोच समझ कर दिया गया। मैं साफ कहता हूँ, न सिर्फ हिंदुस्तान के अवाम से बल्कि दुनिया से ये कहता हूँ, वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान का हिस्सा है और ये हिस्सा हिंदुस्तान का है, ये न बदलेगा। वो कर ले जितनी जंगे करना चाहेंगे, ये नहीं बदले वाला। और अगर यही हाल है तो फिर इन्हें बातचीत करनी पड़ेगी कि हम लोग अमन में रह सकें। दोनों हिस्से जो उनके पास है और ये हिस्सा, उसके लिए जरूरी है कि उनको भी ऑटोनॉमी दी जाए और यहाँ भी ऑटोनॉमी। फारूक के बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया। सरकार के मंत्री उन्हें संसद के प्रस्ताव और उनके वालिद शेख अब्दुल्ला का स्टैंड याद दिलाने लगे। पीओके भारत का अंग है और भारत का अंग रहेगा। हमें पीओके आज नहीं तो कल भारत के साथ मिलाना है। नेहरू की गलती के कारण पीओके आज पाकिस्तान के साथ है। मुझे लगता है बड़ी सुविधा के साथ ये भूल रहे हैं वो कि 1994 में सर्वसम्मति से सदन का, भारतीय सदन का एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन किया था और उसमें ये लिखित में रहा और रिकॉर्ड में है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को लेकर के यदि कोई विषय है तो वो मात्र इतना कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो गैर कानूनी तौर पर अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है उसे वापस भारतीय गणराज्य में शामिल कर लिया जाए। ऋषि कपूर के समर्थन ने आलोचनाओं की मार से चोटिल हुए फारूक के जख्म पर मरहम का काम किया है, लेकिन फिलहाल ना तो विवाद थमता दिख रहा है और ना ही फारूक बचते नजर आ रहे हैं।